चाहिए क्या ऐसा कुछ चाहिए? रेडी रोलिंग थोड़ा लेफ्ट बैलेंस रखना रोलिंग एंड एक्शन मुकाबले और मुश्किल आगे बढ़ चुकी है लेकिन देखा हमने की सपोर्टर भी काफी बढ़ चुके हैं। फिलहाल तो मैं ये बोलना चाहूंगा कि आज का मैच बहुत ही मजेदार मैच था जिसमें हमारी टीम ने बहुत ही बहादुरी और बहुत ही ईमानदारी के साथ विपक्षी टीम को हरा दिया है और इसके पीछे मेरे परिवार का पूरा सपोर्ट है। मेरी संध्या है, वेद है, भाभो बाबा साहब, आज उनको बड़ा मिस कर रहा था। भाभो और बाबा साहब आए हैं, हाँ है, अपने बेटे को गिरता पड़ता लुटता नहीं देख सकते। हाँ
वहाँ से नहीं सर, वहाँ जहाँ से आपने खत्म किया था। ओके, फैमिली को मिस करना। इसमें परिवार की पूरा परिवार की सपोर्ट का पूरा योगदान है। संध्या आई हैं, देव है, बाकी सब बच्चे आए हैं, लेकिन भावों और बाबा सबको मैं बहुत ही याद कर रहा हूँ। मुझे पता है कि वो अपने बेटे को ऐसे खेल के दौरान अपनी हालत में कोई किसी रोज भी एक माँ को दुखी करती है अपने बेटे को। पिछली बार मुझे बड़ा डांट के गई थी कि बेटा ऐसा नहीं करना, तो मैंने बोला भी था कि भाबो आप चिंता ना करो, छोटी छोटी चीज़ें होती रहती हैं। लेकिन माँ जो होती है वो कहीं भी हो, दुनिया के किसी भी कोने में हो, वहाँ पे बैठ के आपको दुआ देती है और उसका दिल सिर्फ और सिर्फ आपके लिए धड़कता है। जब आप फील्ड में होते हो तो अब जब भाबो को ये खबर मिलेगी तो मुझे लगता है कि भाबो पूरी हनुमान गली में लड्डू बांटेंगे। भाई आज हमने देखा कि थोड़ा सा एक रोमांटिक पल भी आ गया था जितेंद्र सुरेश के बीच में, और सुरेश शायद ये भी समझा रहे थे कि इतना पुराना प्यार जिस दिन समय बीतता है उतना प्यार और बढ़ता जाता है। ये मैंने महसूस किया है कि प्यार जितना प्यारा होता है या जितना पुराना होता है उतना ही अपना निखार दिखाता है। ओल्ड इज़ गोल्ड, हमारा प्यार जो है वो हमेशा अटूट प्यार है। हमारे दिल साफ हैं एक दूसरे के लिए, इस प्यार को किसी की नज़र ना लगे। बस यही है जो मैंने बोला संध्या को, वो एकदम मेरे दिल की आवाज़ थी। मैं चाहता हूँ हमारा प्यार ऐसे ही बना रहे, भले जितने भी बच्चे पैदा हो। फीमेल फैंस काफ़ी बढ़ चुके हैं आपके, और देखा हमने कि बहुत इजहार मोहब्बत भी चल रहा था फीमेल फैंस की तरफ से कबड्डी। ये एक किसी भी हीरो के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि होती है जब उसके बच्चे और फीमेल फैंस उसके खाते में आती है। तो आज मुझे इस बात का एहसास हुआ कि ज़िंदगी में अगर आप कुछ करते हैं तो ही लोग आपके फैन बनते हैं, और ये बात मेरे बेटे ने मुझे ऐसा महसूस करवा दी है कि पापा आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ें और कुछ ऐसा कर दिखाएं जिससे मैं गर्व के साथ कह सकूँ ये मेरे पापा। अच्छा, आज का मैच जीतने के बाद अपने आप जो आपका एम है जरूरत होती है आप और करीब उसके पहुँच गए, इसको लेकर के कुछ बता देंगे? मैं शायद इस खेल में घुसा था कुछ चंद पैसों के लिए, कुछ 50 लाख की रकम के लिए, लेकिन यकीन मानिए स्पोर्ट्स जो है वो एक ऐसी चीज़ है जिसमें खाली पैसे नहीं, खाली फेम नहीं, ताकत नहीं, बल्कि दिली ताकत भी जुड़ी हुई है, जो कि आपको 10 हाथियों का नहीं बल्कि एक शेर जैसे हौसले की आपको ताकत देती है। मैं बहुत ही डरा हुआ था विदांश को लेकर, मेरे दिमाग में बहुत सारे सवाल थे कि मैं कैसे विदांश खड़ा करूँगा, इतना बड़ा अंपायर है, 5-star होटल है। तो अब मुझे जैसा कि मैंने पहली हार के बाद दूसरी जीत और इंशाल्लाह अब तीसरी जीत की तरफ हम जो बढ़ रहे हैं, ये मेरे अंदर एक ऐसा हौसला भर गई ये चीज़ कि जिससे मुझे अपना सपना बहुत ही छोटा लग रहा है। रियल लाइफ में आप स्पोर्ट्स को किस, मतलब कि आपका फेवरेट स्पोर्ट्स या बोलिए किस तरीके से लेते हैं? रियल लाइफ में मुझे लगता है कि जो स्पोर्ट्स है उसमें उसमें कोई रीप्ले नहीं होता है, उसमें कोई कट नहीं होता है, उसमें कोई बाकी सारी चीज़ें छोटी छोटी हो सकती हैं। तो ऐसी जगह जहाँ पे ना कोई रीप्ले हो, ना कोई कट हो, मतलब आपको दोबारा चांस ही ना मिले, ना कोई कट हो, मेरे ख्याल से ऐसी चीज़ जो है वो आपके अंदर एक ऐसी चीज़ भर जाती है जिसमें आप एक्चुअल ज़िंदगी के वॉरियर बन जाते हैं, एक्चुअल ज़िंदगी के हीरो बन जाते हैं। हम तो सिर्फ नाम के हीरो हैं, आज पता चलता है कि जो मैदान में खेलते हैं वही एक्चुअल हीरो होते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं स्पोर्ट्स के साथ मेरा बहुत ही अच्छा वास्ता जुड़ा हुआ है बचपन से लेकर आज तक। मैंने बहुत